वेलकम टू हमारी रसोई। आज हम बना रहे हैं सुई चिली क्रंच। स्वीट चिली क्रंच के नहीं, यहाँ पे मैंने प्रॉन्स लिए हैं, टेल्स के साथ मैंने प्रॉन्स लिए हैं। ये टेल लगी रहती है, मैंने आपको भी टेल नहीं निकालनी है इसकी। 15 से 20 प्रॉन्स हैं यहाँ पर हमारे पास। ये होममेड स्वीट चिली सॉस लिया है और यहाँ पर हॉट पेपर सॉस है, ये भी होममेड है। आप चाहें तो मार्केट की भी सॉस यूज़ कर सकते हैं। अब हम अपने प्रॉन्स को हाफ एन आवर के लिए मैरिनेट करेंगे अपने सॉसेस के साथ, उसके बाद इसे रैप करके डीप फ्राई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे स्वीट चिली सॉस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून भर के। इसकी रेसिपी चैनल पे अपलोडेड है। 3 टेबलस्पून हॉट पेपर सॉस, 1 टेबलस्पून 2 पिंच ऑफ सॉल्ट, 1/4 टीस्पून पेपर पाउडर, 1 टीस्पून सोया सॉस। वन टी स्पून फाइनली चॉप गार्लिक, हाफ लाइम जूस, इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। यहाँ पर अपने प्रॉन्स को हम इसमें हाफ एन आवर के लिए मैरिनेट करेंगे। यहाँ पे हमें प्रॉन्स का मैरिनेशन कंप्लीट हो गया है, हाफ एन आवर हो गया है इसे। अब इसे हम इसमें एग रोल शीट में रैप करेंगे। यहाँ पे मैंने एक एग रोल शीट ले ली, इसे 2 में डिवाइड करेंगे हम। इसमें अपने प्रॉन्स को रैप करेंगे। यहाँ पे मैंने मैदे और पानी का मिक्सचर बना के रखा था, इसे स्टिक करेंगे हम कॉर्नर्स को। अगला लेंगे, सारी हमने ऐसे ही रेडी कर लेना है। यहाँ पर हमने ये सब रेडी कर लिए हैं थोड़े से, इसे हम अब डीप फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। ब्राउन एंड क्रिस्पी होने तक हम इसे कुक करेंगे, इसके बाद हम इसे स्वीट चिली सॉस के साथ ही सर्व करेंगे। देखिए हमारे आज की डिश यहाँ पे बिल्कुल रेडी है, इसे क्रिस्पी ब्राउन हो गए थे तो मैंने इसे निकाल लिया सर्विंग प्लेट में। लुक एट दिस, इसे हम स्वीट चिली सॉस के साथ ही सर्व करेंगे। सो अगर आपको हमारी आज की डिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।